मैंने तुम्हें पहले भी सतर्क किया था कार्तिकेय, अंतर केवल इतना है कि तब एक माँ की चिंता अपने पुत्र को धर्म और कर्म के मध्य भेद समझाने का प्रयास था, और अब एक देवी स्वयं साक्षात महाकाली तुम्हें चेतावनी दे रही है, लौट जाओ और एक बार अपने कर्म पथ पर पुनः दृष्टि डालने का प्रयास करो। मैं वचनबद्ध हूं और अपने वचन से विमुख होने से सरल मेरे लिए अपने प्राणों की आहुति देना है। वचनबद्ध, अपना धर्म निभाने के लिए वचनबद्ध तो मैं भी हूं कार्तिकेय, और जब प्रश्न सृष्टि की सुरक्षा और उसके अस्तित्व का हो तो महाकाली के मार्ग में कोई नहीं आ सकता, स्वयं उसका पुत्र भी नहीं। मैं यहाँ जिस कार्य को संपन्न करने आया उसे पूर्ण किए बिना मैं यहाँ से नहीं लौटूंगा। मैंने अरुणासुर को वचन दिया और पंचभूत देवताओं को उसके समक्ष प्रस्तुत करके मैं अपने वचन को अवश्य पूर्ण करूंगा। यदि ये सत्य महाकाली और कार्तिकेय युद्ध भूमि में एक दूसरे के विरुद्ध प्रस्तुत है तो मुझे कार्तिकेय के अंदर अपना प्रभाव बढ़ाना होगा। कार्तिकेय के भीतर अपनी माता के लिए प्रस्तुत प्रत्येक संवेदना को नष्ट करना होगा जो उसे मेरा कार्य करने के लिए रोक सकती है। मेरे मार्ग से हट जाइए माता, मैं इस कार्य को पूर्ण किए बिना यहां से नहीं लौटूंगा। माता नहीं, महाकाली। उस क्षण तुम्हारे समक्ष तुम्हारी माता नहीं अपितु संसार की मां काली खड़ी है, क्योंकि आज एक माता को अपनी एक संतान की रक्षा करने के लिए अपनी दूसरी संतान से युद्ध करना होगा। आज मैं तुम्हें वो बात स्मरण कराना चाहूंगी जो तुम्हारी माता ने तुमसे कही थी। किसी को दिया वचन पूर्ण करना धर्म तो है, किंतु उसके लिए किसी अनुचित मार्ग का चयन मत करना। यदि अरुणासुर को दिया वचन पूर्ण करना तुम्हें लगता है तुम्हारा धर्म है, तो तुम्हें एक बात स्मरण करवाना मेरा कर्तव्य है कि किसी भी वचन को पूर्ण करने से पूर्व तुम्हारा वास्तविक और प्राथमिक धर्म है देवताओं के सेनापति होने की भूमिका को पूर्ण करना। किंतु दुर्भाग्यवश आज उनका रक्षक ही उनका भक्षक बन गया है। रक्षक, मैं आज ये सब इसलिए करने के लिए बाध्य हूं क्योंकि इंद्रदेव ने अपना धर्म नहीं निभाया, पर आज आप अपना धर्म निभाए माता, किंतु मैं अपना कर्म अवश्य निभाऊंगा।
श्री। हमें किसी भी प्रकार इस युद्ध को रोकना होगा पिताश्री। मैंने आभास किया है पिताश्री कि चेस पर अवश्य किसी ने वशीकरण कर दिया है, जिससे सब अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हैं। पिताश्री माता को रोक लीजिए पिताश्री। विनायक, कभी कभी माता पिता अपनी संतान के लिए ऐसा निर्णय लेने को बाध्य हो जाते हैं जो संतान को कठोर प्रतीत होता है, किंतु वही निर्णय संतान के हित में भी होता है और संतान को तो माता पिता की पीड़ा का आभास भी नहीं होता। तुम्हारे ज्येष्ठ को लगता है कि जो वो कर्म कर रहा है वो उचित और न्यायपूर्ण है, किंतु तुम्हारी माता को ज्ञात है कि इस समय कार्तिकेय अरुणासुर के वश में है, जो उसे कर्म करने के लिए बाध्य कर रहा है, और इसीलिए कार्तिकेय का महाकाली द्वारा शुद्धिकरण होना अनिवार्य है। अपनी शक्तियों की तुलना आपसे करना मूर्खता है, क्योंकि आप मेरे गुरु हैं और इसलिए मैं आपका सामना करने में सक्षम नहीं, किंतु अपने वचन का मान रखने के लिए मुझे आपसे युद्ध करना भी स्वीकार्य है। किंतु प्रभु, इस युद्ध के आरंभ होने से पूर्व हमें एक बार कार्तिकेय से वार्तालाप करने का अवसर प्रदान करें। अग्निदेव, संभव है आपका ऐसा करने से समस्या सुलझने के स्थान पर और विकट हो जाए, किंतु फिर भी ये पूर्णतः आपका निर्णय होगा। किसने सोचा था कार्तिकेय, जो शक्तियां, प्रशिक्षण और वरदान मैंने तुम्हें प्रदान किए, एक दिन तुम उन्हीं का उपयोग मेरे विरुद्ध करोगे। जैसे जैसे कार्तिकेय पंचभूत तत्व को बंदी बनाने में सफल होगा, वैसे वैसे एक के पश्चात एक ये हवन कुंड प्रज्वलित होना आरंभ होंगे। किंतु उसके लिए मुझे कार्तिकेय को पूर्णतः दूषित करना होगा। अरुणासुर के वचन के लिए इस द्वंद का शंखनाद करके तुमने न केवल अपने सेनापति होने का तिरस्कार किया है, अपितु अपने माता पिता द्वारा प्रदान किए संस्कारों पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया है कार्तिकेय। अब भी सब कुछ कुशल हो सकता है कार्तिकेय, इस हट को त्यागो, इस नकारात्मकता से मुक्त होने में मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। तुमने इंद्रदेव पर प्रहार किया, मैं तुम्हें उस भूल के लिए क्षमा करती और तुम्हें इस अपराध बोध से भी मुक्त करती। धन्यवाद माता। अब भी समय है कार्तिकेय, तुम अपनी इस भूल को अपराध में परिवर्तित होने से रोक सकते हो। मैं तुम्हारी माता इसमें तुम्हारी सहायता करूंगी पुत्र। तुम्हें अपना वचन पूर्ण करना होगा कार्तिकेय। आप मुझे अपने कर्म से भ्रमित नहीं कर सकती देवी। मेरा एकमात्र लक्ष्य
अपना वचन पूर्ण करना। मेरे संकल्प का प्रथम चंड पूर्ण हुआ। कार्तिकेय ने भूदेवी को बंदी बना दिया। कार्तिकेय को तो आभास भी नहीं कि जिस वचन की पूर्ति के लिए उसने अपना धर्म त्याग दिया, उस वचन का एक गहन मूल अर्थ है। वास्तविकता का पूर्णता प्रकट होना अभी शेष, किंतु जब ये सत्य कार्तिकेय और संसार के समक्ष आएगा, तब अस्थिरता में वृद्धि होना स्पष्ट। अब भी समय है, रुक जाओ। मुझे मृत्यु स्वीकार है, किंतु अपने वचन से पीछे हटना स्वीकार या नहीं। वचन देने से पूर्व वचन की व्याख्या जानना अनिवार्य होता है कार्तिकेय। व्यक्ति का परम धर्म है कि वो ये अवश्य जान ले कि वो वचनबद्ध होने को तत्पर क्यों है। आपने कुछ अनुचित नहीं कहा माता, किंतु ऐसा प्रथम बार नहीं हुआ कि मैं किसी से वचनबद्ध। वरुण देव, आप भी अब अर्नासुस के बंधक हो। रुक जाओ कार्तिकेय, तुम्हारे कुकर्म मेरी ममता की सीमा लांघ रहे हैं। और आपका धर्म मेरे कर्म में बाधा बन रहा है माता, किंतु मैं अपने कर्म से पीछे नहीं हटूंगा।